नमस्कार, स्वास्तिक बुटीक टॉलीगंज में आपका स्वागत है। मेरे पास क्वालिटी, कलेक्शन, फैशन सबका मिक्स है। जो यहाँ पे लैकिंग था अंडमान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ लेके आए हैं और हमारे पास लेडीज वेयर की एवरीथिंग है। एक से एक कलेक्शंस है हमारे पास, उचित दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी, कलेक्शन एंड फैशन, स्वास्तिक बुटीक, प्लीज जरूर आइए। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों में युवाओं के सेहत और मनोरंजन को इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार ने 16 मई 2023 को शाम 7 बजे से एक फ्रेंडली मैच कराया, जहां पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार 11 और IAS 11 के बीच कराया गया। हम आपको बता दें कि कैन द्वारा यह प्रतियोगिता 6 टीमों के साथ कराया जाएगा और प्रैक्टिस मैच के रूप में आज का यह मैच हुआ। हमारे तमाम IAS ऑफिसर्स काफी उत्साहित नजर आए और एक बेहतरीन प्रदर्शन भी किए। LED फ्लड लाइट्स के साथ पहली मर्तबा हमारे द्वीपों में इस तरह के किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यह मैच सम्पन्न हुआ। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नेताजी स्टेडियम। पिछले दिनों जब हमने आप लोगों को बताया था कि ICPL आइलैंड क्रिकेट प्रीमियर लीग इसका ऑक्शन हुआ था, प्लेयर ऑक्शन हुआ था, टीम खरीदी गई थी मनशा होटल में और प्लेयर ऑक्शन देसी लॉन्च में हुआ था, जिसका हमने आपको लाइव कवरेज भी दिखाया, उसी की शुरुआत हो रही है। आज का ये जो ट्रायल मैच है, यहाँ पे 2 टीमें होंगी। एक टीम में हमारे अंडमान निकोबार के जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम है और दूसरी टीम में जो 6 टीमें ICPL के लिए सेलेक्ट हुई हैं उनमें से प्रत्येक टीम से एक प्लेयर खेलेंगे और डिपार्टमेंट के 5 हमारे अलग अलग विभाग से उनमें से 5 प्लेयर खेलेंगे। इनकी एक टीम होगी और IAS वालों की एक टीम होगी। एक ट्रायल मैच, फ्रेंडली मैच के तौर पे यहाँ पे खेला जा रहा है ताकि अच्छे से मुआयना कर लिया जाए कि ग्राउंड की हालात कैसी है और इस मौसम में मैच खेलना कैसा रहेगा। जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी बहुत सारे टीम के लोग आ चुके हैं, IAS टीम्स आने वाली है और मैच की शुरुआत भी होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मैच का पूरा आनंद लेंगे और साथ ही ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नाइट टूर्नामेंट है, यहाँ पे जो लाइट की जो फैसिलिटीज़ है, इसके लिए तमाम जो टीम वाले हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार, इन लोगों ने अपना जनसेट यूज़ कर रहे हैं पूरे मैच के लिए। मकसद ये है कि इस वक्त जब स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है और शाम के वक्त यहाँ पर ज़्यादा कुछ मनोरंजन के लिए नहीं होने की वजह से ये डिसीजन लिया गया कि ICPL को इस दौरान कराया जाए ताकि हमारे जो युवा बच्चे हैं वे भी किसी भी तरीके के बुरी आदतों से दूर रहे और यहाँ स्टेडियम में आकर मैच का आनंद लें और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, अपने जिस क्षेत्र में बच्चे माहिर हैं उनमें और वे आगे बढ़ें और उसकी तरफ प्रैक्टिस करें। चलिए आज के इस मैच की कवरेज हम आपको दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी इसे देखने में बहुत आनंद आएगा। चलिए अभी हम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जिजीत रेख जी, हम उनसे बात करते हैं और आज के इस मैच और पूरे ICPL जो लीग मैचेस होने वाले हैं यहाँ पे उस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आज अंडमान निकोबार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पहले हुआ करता था हमारे बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तब यहाँ पे सोडियम वेपर लाइट था। अच्छा। सोडियम वेपर लाइट का 4 टावर था, उसमें हम लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्या कि रोशनी सोडियम वेपर ऐसे ही येलोइश कलर रहता है, उसमें उतना लाइट नहीं रहता था। तो अब LED का ज़माना है तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने से टावर बना लें और बच्चों को एक मौका दें यहाँ पे कि नाइट क्रिकेट खेलने का एक अलग सा एक एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है उस समय,
और रात को खेलने का अंडमान के इस जनरेशन के बच्चों को तो कभी मौका मिला नहीं। right. उन लोग खेलते भी हैं तो स्टम्पर बॉल और विंड बॉल उससे खेलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा मौका यहाँ के बच्चों को दिया जाए। और तो आज हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन 11 वर्सेस कैन 11 का एक मैच रखा है, जो देखने के लिए कि हम लोगों का मैच मतलब इस लाइट में कैसा खेला जाएगा। एक ट्रायल मैच है, इसमें अगर लाइट कम पड़ता है तो हम लोग और लाइट इंक्रीज करेंगे। और आप लोगों का जो लीग का पहला मैच कब शुरू होगा? हमारा लीग का पहला मैच परसों 18 तारीख को है, 6 बजे। अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी साहब मुख्य अतिथि है, वो मैच को उद्घाटन करेंगे और टूर्नामेंट को श्री गणेश करेंगे। और आज के मैच में भी चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं? नहीं, आज के मैच में तो नहीं है। जी, हमसे बात करने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IAS 11 के कैप्टन श्री निखिल कुमार जी, उनसे बात करेंगे जो कमिश्नर स्पोर्ट्स भी हैं, कि वो कितने एक्साइटेड है इस टूर्नामेंट को लेकर और आज का जो पहला प्रैक्टिस मैच कैन 11 के साथ वो खेल रहे हैं, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ये हम सबके लिए बहुत ही उत्साह की बात है कि हम ये डे नाइट मैच ऑर्गेनाइज कर पाए। मुझे बताया था लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था कि यहाँ पर पहले डे नाइट मैचेस होते थे करीब 10 साल पहले, उसके बाद से पूरा डे नाइट मैच बंद हो गया। तो इस बार हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लेके कोशिश किया है कि हम डे नाइट मैचेस को फिर से रिज्यूम करें। सो अभी तो आप देखेंगे जैसे टेम्प्रेरी लाइट्स ही लगी हैं, बट हम लोग बहुत ही एडवांस स्टेज में हैं, परमानेंट लाइट्स यहाँ स्टेडियम में इंस्टॉल करेंगे ताकि एक रेगुलर फीचर बने यहाँ पे। और वैसे भी मुझे बहुत ही खुशी है बताकर कि अंडमान में क्रिकेट सीन तो बहुत ही अच्छा है। इतने सारे क्लब्स हैं, इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो DGP कप हम लोगों ने करवाया था उसमें भी शुरुआत से ही मैंने इसको पुश किया था कि वी शुड हैव इट, और उसमें हम लोग को 40 टीम के बाद रोकना पड़ा। और भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें भी इंक्लूड करवाएं, तो बहुत ही अच्छा है। जितना अच्छा, जैसे वैसे भी जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार का खेलो इंडिया प्रोग्राम है, जितना हमारे यूथ स्पोर्ट्स में एंगेज रहेगा हर लेवल पे, हर तरह के स्पोर्ट में, उतना ही फिटनेस उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये हमारा एक पहल है उसी तरफ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे पाएँ अंडमान के बच्चों को और लोगों को। कैन 11 जो कम्बाइंड प्लेयर्स लोग की जो मिलके इन्होंने एक टीम बनाई है आज IAS 11 के साथ खेलने के लिए फ्रेंडली मैच, उनके जो कैप्टन हैं मिस्टर तीरथ, हम उनसे बात करते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है आज के इस मैच को लेकर। ये मैच के लिए खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जो क्योंकि नाइट टूर्नामेंट है, इसीलिए ज़्यादा मतलब अच्छा लगे ये मैच के लिए। और सारा जो यहाँ के यूथ्स है ये मैच का बहुत इंतज़ार करते थे। और कैसा लग रहा है पहला बार लाइक रियल फ्लड लाइट में अंडमान में मैच खेलने मिल रहा है आप लोगों को भी इस ड्यूस बॉल का? ये बहुत पहले खेला था, हम बहुत साल बाद यहाँ पे होता है, वो जो ऑर्गेनाइज करता वो उनका बहुत धन्यवाद। कितनी उम्मीद है आप लोग जीतोगे या IAS वाले ज़्यादा टफ हैं? हम लोग जीत जाओगे। और ये गेंद भी लगभग बाउंड्री की ओर जाते हुए और एक चार है। और अच्छा कवर विजन पर खेलते हुए और बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार डॉक्टर मनीष द्वारा और एक चार रन। काफी महंगा ओवर 13 रन इस वक्त 4 गेंदों में निकल चुका है और काफी अच्छा ओवर अंडमान निकोबार प्रशासन का। सर्कल के अंदर से खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़े और डीप पॉइंट पर जाते हुए गेंद को रोका गया है, इससे कि जो बल्लेबाज अच्छे लय में है और रन मार पा रहा है उसे ज्यादा मौके मिलने पाए। आप पर अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे इस गेंदबाज के बाद लगातार स्पिनर गेंदबाज दोनों तरफ से आते हुए दौड़ना चाहते थे, लेकिन तीसरी ओवर में यहाँ पर गेंद जाए काफी ऊंचे तरीके से गेंद उनके हाथों में आई विश्वन ने, लेकिन आप देखेंगे 2 विकेट निकाले हैं। और हाथ काफी नीचे रह गई अंपायर का बाइक का इशारा हो सकता है। और इस तरह खेल समाप्त होते हुए खेल लेके ले जाना।
Oh, it was wonderful. I think it was a relatively close match. And all credit to the opposing team. I mean, they batted well, plus they bowled also very tight lines. In fact, the key difference, mujhe laga ki wo hamari jo bowling was slightly loose. Hum logon ne 28 bite diya. The 28 extras was the difference. But otherwise, we were able to drag it right down to the last over. I guess lack of practice, right? Lack of practice so hurts us. See, our age profile of our team is also in the mid-40s and late-40s. Plus, we don't practice at all. वुमेन क्रिकेट को भी प्रमोट करने के लिए कुछ सोच रहे हैं आप लोग? Yes, absolutely. I mean, if we have club teams where ladies are playing and they want to have a tournament, we'll be very happy to organize one for them. Thank you so much, sir. इस आयरलैंड क्रिकेट प्रीमियर लीग के अंपायर और स्कोरर से मिलाना चाहूँगा. ये तीनों चूँकि ICPL ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने की सोची है और वैसे कर भी रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो अंपायर्स और स्कोरर्स हैं इनको बाहर से बुलाया है. तो हमारे साथ दो अंपायर्स हैं, उसको लेकर उनकी क्या राय है? जस्ट गिव मी लाइक ओवरऑल व्यू ऑन दैट ऑन टुडेज मैच. आई थिंक इट वाज अ वेरी ट्रिमेंडस मैच वन. आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन टीम्स प्लेड वेल, दे फाउट हार्ड, ऑपोजिट टीम एज वेल. चलिए अभी हम विनिंग टीम के मेंबर से बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे आज के इस मैच को लेकर. जय हिंद सर. हेलो. बेसिकली जो है लास्ट 35 ईयर से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. हुआ ऐसा होता था जब हम शुरू में जब क्रिकेट खेलते थे तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे जो IAS के ऑफिसर्स होते थे, जो डायरेक्टर्स होते थे, वो भी स्पोर्ट्स लवर्स थे. तो उसकी वजह से हमारा जो क्रिकेट है बहुत अच्छा चलता था. बस कुछ लेकिन अब वापस मैंने, मुझे लगता है कि वो चीज़ वापस फिर आ गया है कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ के, वो लोग जो है क्रिकेट को और बाकी स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे तो यहाँ के लोकल्स के लिए भी और उनके लिए भी बहुत अच्छा है. ऐसा मैच होना एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है अंडमान के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने यूथ आज इन्वॉल्व थे मैच में. अगर ये मैच नहीं होता कहीं ना कहीं नुक्कड़ में या कहीं ना कहीं लोग बैठे रहते हैं और कुछ लोग बदमाशी भी करते हैं. तो आज स्पोर्ट्स के कारण एक नया जोश आया लोगों में और ये पूरा सीज़न हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे. आप भी रहिएगा, मज़े आएगा. पब्लिक आएगी यहाँ पे तो उनके खाने पीने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए जाएंगे? हाँ, एक कोशिश कर रहा है कि हम लोग स्टॉल भी लगा रहे हैं कि जो आए उनको कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट भी मिले. थैंक यू जी सर हमसे बात करने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए. तो जिस तरीके से आपने अभी सुना कैन के मिस्टर जेजे त्रेक जी को, जिन्होंने पूरे इस टूर्नामेंट के बारे में बताया, इसके फ़ायदे भी बताए और ये उम्मीद जताई है कि हमारे द्वीपवासी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसको और कामयाब बनाएंगे. एक बहुत बड़ा मैसेज अक्सर जीजीत जी देते आए हैं शुरुआत से ही, ऑक्शन के समय से ही, कि देखिए अगर आप खेलकूद से जुड़ते हो तो आपके सेहत के लिए भी अच्छी अच्छी है और आपको हर तरह की जो बुराइयां हैं उससे भी दूर रखती है. इस मैसेज को ज़रूर अपने जहन में रखिए और खेलकूद से जुड़िए और ICPL का पूरा मज़ा लेने के लिए परसों से यानी कि 18 मई से शाम के 5:30 बजे के बाद आप नेताजी स्टेडियम आ सकते हो और पूरे मैचेस देख सकते हो. इसी उम्मीद के साथ मैं यामीन कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज अंडमान 24/7 नमस्कार. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों में युवा खूब बढ़ चढ़ कर खेल कूद में हिस्सा ले ताकि उनकी सेहत बनी रहे और वे किसी भी तरह की नशे और बुरी आदतों में ना पड़े. 18 मई से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता का आनंद लेने आप सब भी नेताजी स्टेडियम जरूर आइएगा. अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें. इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ. नमस्कार.